हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लीड कोडिंग। आई एम फराज एंड शी इज़ माय सिस्टर मलीहा। तो यार, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें कोडिंग स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आ रही होगी और जिन्हें नहीं पता होगा कि यार स्टार्ट कैसे करना है, और कहीं पर अगर स्टक हो जाते हैं तो कितना टाइम वहाँ पर लगाना है बिफोर लुकिंग एट द सॉल्यूशन। सेम वॉज द केस विद मलीहा। मलीहा ने भी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था, फ्रॉम द वेरी जीरो लेवल। और मलीहा के पास कंप्यूटर साइंस वगैरह नहीं थी इन क्लास 11th एंड 12th, बट शी मेड इन टू ऊबर, शी मेड इन टू माइक्रोसॉफ्ट एंड शी मेड इन टू सेवरल अदर प्रोग्राम्स विच आर ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द एंटायर कॉलेज करिकुलम। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग कि मलीहा ने कैसे स्टार्ट किया, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स आई एंड कैसे इनको टैकल किया। सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स नाउ। तो हाउ डिड यू स्टार्ट कोडिंग? सो स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर फंडामेंटल्स नाम का मेरा एक सब्जेक्ट आया था, दैट वॉज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में एंड फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैंने दो रिसोर्सेज से स्टार्ट किया था। एक था एक यूट्यूब चैनल और एक थी एक बुक लेटस सी, जो कि कॉलेज से ही हमें सजेस्टेड होती है। एंड यूट्यूब रिसोर्स जो मैंने फॉलो की थी उस पर बहुत ज़्यादा पुराना स्ट्रक्चर था, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाई थी। बीच बीच में अगर थोड़ा बहुत मुझे रेफरेंस लेना था, कुछ बुक से नहीं समझ आ रहा, तब मैं उससे रेफ़र कर लेती थी। अदरवाइज़ मैंने बुक से ही मोस्टली अपने बेसिक्स क्लियर किए थे। एंड स्टार्टिंग में क्योंकि बिल्कुल ही बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था एंड मुझे टेक्निकल टर्म्स समझने में थोड़ा टाइम भी लगा, तो मुझे 3-4 बार बुक रीड करनी पड़ी थी टू गेट फेमिलियराइज विद दोज टेक्निकल टर्म्स। बाय द वे, वो जिस बुक की यहाँ पर बात हो रही है ना, वो कोई बहुत बड़ी ह्यूज बुक नहीं है, तो उसको आपको रीड करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। आई गेस एक बार अगर आप रीड करेंगे इट विल एट मैक्स टेक 4 to 5 days, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो बाय द एंड बुक से बहुत ज़्यादा एडवांस तो नहीं, लेकिन जो बेसिक्स होते हैं लाइक डेटा टाइप्स एंड फंक्शंस, व्हाइल लूप्स, इफ एल्स कंडीशंस, स्विच केस, ये सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो गई थी बुक से। लेकिन पॉइंटर्स एंड रेफरेंसेस, रिकर्जन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये सब कुछ अभी थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया था एंड इसके लिए मैंने फिर बाद में और रिसोर्सेज फॉलो की थी। तो यार, पॉइंटर्स एंड रेफरेंसेस तो वैसे भी थोड़ा सा एक एडवांस टॉपिक है तो काफ़ी बेसिक बेसिक में ही काउंट होता है, बट उसके क्वेश्चंस काफ़ी एडवांस एडवांस बन जाते हैं। इसी के लिए मैंने पॉइंटर्स एंड रेफरेंसेस पे एक लेक्चर डाला हुआ है काफ़ी अच्छा सा, टिल एडवांस लेवल, तो यू कैन वॉच दैट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक्स, कि बेसिक्स कैसे शुरू करें। Then here we talked about two resources, एक book के बारे में, और there was a YouTube channel जो कि अब थोड़ा सा old हो चुका है, but you can obviously follow free code camp. Free code camp करके एक पूरा YouTube community है, वहाँ पर there are multiple multiple topics, तो वहाँ पर आपको C++ का course या C का course easily मिल जाएगा। There is I guess 8.5 million views in that particular video C++ की, you can watch that and learn programming language from there. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की। हाउ डिड यू प्रोसीड फ्रॉम देयर? एक बार लैंग्वेज आ गई, तो उसके बाद क्या किया? उसके बाद फिर विंटर ब्रेक्स हमारे हुए थे, जहाँ पर हमने डिस्कशन किया था एंड फिर डिसाइड हुआ था कि मुझे इसी में ही अपना करियर बनाना है आगे। तो फिर मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए स्टार्ट किया एक यूट्यूब चैनल से रेफ़र करना, विच वॉज माई कोड स्कूल। तो उससे जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स थे लाइक स्ट्रिंग्स एंड एरेज, लिंक लिस्ट, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर मुझे इस वाले यूट्यूब चैनल से क्लियर हो गए थे। तो उसके बाद में फिर जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर रह जाते हैं, जैसे कि ग्राफ्स हो गया एंड कुछ एडवांस एल्गोरिदम्स हो गए जैसे रिकर्जन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, वो स्टिल मेरा अभी बचा हुआ था। लेकिन इस वाले यूट्यूब चैनल से मैंने लेक्चर्स देखने के साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे ऑन लीडकोड प्लेटफॉर्म। लेकिन ईजी क्वेश्चंस ही सॉल्व करती थी मैं स्टार्टिंग में, एंड मीडियम तो मैंने बहुत बाद में करना शुरू किया था जब मैं बिल्कुल ही एकदम रेगुलर हो गई थी, कंसिस्टेंट हो गई थी। स्टार्टिंग में मैं इजी सॉल्व करती थी एंड या दिस वाज अबाउट। तो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देयर इज एन इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम cry.do। अगर आप लोग भी अपने रिज्यूमे में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मेंशन करना चाहते हैं एंड अपनी डेवलपमेंट स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, देन cry.do इज अ रियली गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट। तो यहाँ पर आप लोगों को एक रियल डेवलपर लाइक एनवायरनमेंट में काम कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लेक्चर्स दे दिए हैं एंड उन लेक्चर्स को देख देख के आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाते जा रहे हैं। एक रियल डेवलपर एनवायरनमेंट, जिस तरीके का हमारी इंडस्ट्रीज में फॉलो होता है, सेम एनवायरनमेंट में आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट्स, एंड वो मॉनिटर भी किया जाता है कि कहाँ पर आपका इशू आया, फ्रॉम वेयर यू कैन इंप्रूव योर कोड। तो यहाँ पर हमारे तीन प्रोग्राम है, वन इज फुल स्टैक डेवलपमेंट, जहाँ पर आपको फ्रंट एंड में HTML, CSS, React वगैरह सिखाया जाता है एंड ऑल द टेक्नोलॉजीज विच आर मेंशनड हियर, एंड बैक एंड में आपको नोड सिखाया जाता है। एंड देयर इज अनदर प्रोग्राम बैक एंड डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पर आप लोग को स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग डेटा पे काम कराया जाता है। अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो गेट टू लर्न
Redis, Mongo, Docker, and other stuff. Then there's another fellowship program which guarantees you a placement. तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ पर जाके यू कैन गेट सम रियली यूजफुल गिफ्ट्स। सो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अपना मेल आईडी डालना है एंड देन अनलॉक करने हैं ये सारे गिफ्ट्स। एंड गिफ्ट्स आर फ्री गाइड टू प्रोडक्ट बेस्ड इंटरव्यूज, फ्री गाइड फॉर योर रेज्यूमे बिल्डिंग एंड अ फ्री गाइड टू क्रिएट अ मिनी प्रोजेक्ट विच यू कैन मैंशन इन योर रेज्यूमे एंड सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स ऑन द कोर्सेज विच आर अवेलेबल एट क्रायो.टू। सो गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना एंड देन यू विल बी एबल टू एक्सेस दीज गिफ्ट्स। सो लेट अस कंटिन्यू द वीडियो नाउ। तो यार एक प्रॉब्लम आती है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना स्टार्टिंग में, तो कई बार हम लोग को प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के समझ में नहीं आता कि यार प्रॉब्लम में पूछना क्या चाहते हैं वो। तो उस चीज़ में कभी फ्रस्ट्रेशन हुई कि यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ा है समझ में नहीं आ रहा, या फिर कोड कर भी लिया है उसके बाद सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा। सो ये फ्रस्ट्रेशन कभी महसूस हुई, जो कि ज़्यादातर लोगों को होती है। ऑब्वियसली बात है भाई, अब मैंने बिल्कुल ही बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग रहा था। एंड प्रोग्रामिंग मतलब क्वेश्चन तो समझ में आ जाता था मोस्टली, उसका सॉल्यूशन भी मैं दिमाग में बिल्डअप कर लेती थी कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन जब वो करने जाओ तो कुछ ना कुछ एरर दे देता है। कभी उस टाइम पर ज़्यादा मैं फेमिलियराइज नहीं थी इस चीज़ से कि मतलब लिमिट्स वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है ज़्यादा, इंटीजर लॉन्ग लॉन्ग एंड ये सारी चीज़ें तो करते करते ही प्रैक्टिस में आती हैं आपके। तो उस टाइम पर मुझे काफ़ी बार इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी, एंड मेरा एक ये है ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ। तो फिर मैं स्टार्टिंग में ऐसा होता था, काफ़ी बार रोती रहती थी, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ये पता था कि इस चीज़ में मुझे अपना करियर बनाना है। ऐसा तो है नहीं कि एक आध दिन पढ़ के छोड़ दी, एग्ज़ाम में लिख कर आ गया और लिख कर आ गए और उसके बाद फिर ख़त्म। मुझे आगे कंटिन्यू भी करना था तो मुझे काफ़ी टेंशन हो जाती थी कि कैसे करूँगी मैं इस चीज़ को। लेकिन हाँ, काफ़ी बार क्वेश्चंस अगर नहीं सॉल्व होते थे तो मैं डिस्कशन पे देखती थी उसका सॉल्यूशन, फिर रियलाइज़ होता था यार इसमें बस इतनी सी चीज़ और देखनी थी, फिर मेरा हो जाता क्वेश्चन सॉल्व। और फिर डिस्कशन पे भी अगर मुझे नई सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो फिर हम लोग डिस्कशंस करते ही थे। तो दैट्स हाउ आई प्रोसीडेड दैट फेज। एंड या ये फेज़ काफ़ी नॉर्मल है, मतलब आप लोगों में से काफ़ी लोग ये फेस कर चुके होंगे और कुछ लोग होंगे जो कि ये फेज़ अभी कर रहे होंगे ये वाला स्ट्रगल। तो इट्स नॉर्मल एंड ये सब प्रैक्टिस से ही आपको आता है। जितना कंसिस्टेंट और जितना रेगुलर आप होगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा एंड इस चीज़ से आप जल्दी निकल आओगे बाहर। ओके, तो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क कि कॉन्टेस्ट वगैरह कब स्टार्ट करें, मतलब कितने डेटा स्ट्रक्चर सीखने के बाद यू फाइनली स्टार्टेड विद कॉन्टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट से क्या हेल्प हुई? तो कॉन्टेस्ट हमने सेकेंड सेमेस्टर में, जब मैं सेकेंड सेमेस्टर में थी तब स्टार्ट किए थे, क्योंकि उस टाइम पे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटर्नशिप एंड हम लोग साथ में वीकेंड पे कॉन्टेस्ट देते थे। और वैसे तो मैं हॉस्टल में थी लेकिन वीकेंड पे मैं घर पे आ जाती थी, तो सुबह उठ के हम लोग साथ में कॉन्टेस्ट देते थे। और मुझसे इनिशियली दो दो क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाते थे एट मैक्स, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी कंसिस्टेंसी बढ़ी, मैंने प्रैक्टिस अपनी रेगुलर कर दी, तब से फिर मुझसे तीन फिर चार ऐसे मेरे से सॉल्व हो जाते थे इजीली। समटाइम्स वॉट यूज़ टू हैपन इज़ कि यार मेरे को स्टार्टिंग के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग जाता था फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में। मीन वाइल अगर मेरे को पता चल जाता था कि मलिया ने वो क्वेश्चन कर लिए हैं तो इतनी गंदी वहाँ पर टेंशन होती थी मेरे को, मतलब पूरा। फिर मैंने फिर बाद में और ज़्यादा मेहनत करी। सो वी बोथ वर कम्पीटिंग विथ ईच अदर एट दैट टाइम। ऐसा नहीं था कि मेरी लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर थी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है ना वो फेज़ इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। थ्रेशोल्ड जब आता है जब आप फोर्थ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जाते हो ना, तब आपको थोड़ी ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, जैसे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स, ग्राफ एल्गोरिथम्स, ट्राई, थोड़े से एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स। तो वो हम लोगों ने साथ में ब्रेक किया। एंड या जब भी हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता था वी यूज़ टू अप सॉल्व, वी यूज़ टू लुक एट अदर्स सॉल्यूशन, वी यूज़ टू डिस्कस। पूरा हम लोग प्रॉपर तरीके से कॉन्टेस्ट देते थे एंड दिस इज हाउ इट हेल्प बोथ ऑफ अस। हम दोनों को ही इसने काफ़ी हेल्प किया कॉन्टेस्ट वगैरह ने, ठीक है। एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड विथ माय यूट्यूब चैनल एज वेल। मुझे लगा कि यार मैं इतना सारा कुछ पढ़ रहा हूँ, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, सो व्हाई डोंट आई शेयर दिस वैल्यूएबल कंटेंट इन द एंटायर कम्युनिटी, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड द यूट्यूब चैनल। तो यार ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करी ये आप लोगों में से कहीं कई लोग फेस कर रहे होंगे या फिर करने वाले होंगे, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपके ही साथ ऐसा हो रहा है। जो लोग गूगल में प्लेस्ड हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड हैं या अमेजोन में प्लेस्ड हैं, सभी के साथ ये फेज़ आता है एंड दे ओवरकम दैट फेज़ बाय कीप प्रैक्टिसिंग, बाय मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी एंड मेंटेनिंग द विल पावर। ओके, सो आई होप आपको इससे थोड़ी सी गाइडेंस मिली होगी, थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी। और यहाँ से जो आपके की पॉइंट्स निकल के आते हैं वो यही हैं, दैट बी कंसिस्टेंट, नेवर स्टॉप एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। क्वेश्चन नहीं हुआ तो लुक एट द सॉल्यूशन,
कोई नया डेटा स्ट्रक्चर आया, ट्राई टू लर्न दैट डेटा स्ट्रक्चर, अगेन कम बैक टू द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व इट. प्रॉब्लम से पीछे नहीं हटना है, उसको टैकल करके उससे आगे जाना है, एंड दिस हाउ यू लर्न. ओके, थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है, बट इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, आई एम अश्योरिंग यू दैट यू विल बी एबल टू क्रैक एनी कंपनी दैट यू वॉन्ट. एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू से? नहीं, बस यही है, कंसिस्टेंसी एक सबसे अच्छा यू नो सॉल्यूशन है टू ऑल योर प्रॉब्लम्स. जो कि जो नए नए लोग जो इस फील्ड में हैं, जो फेस कर रहे हो आप प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी अगर आप कंसिस्टेंट हो जाओ. डेली का एक दो क्वेश्चन आप, मतलब एक दो तो ये है कि बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है, बहुत ही ज़्यादा बिजी है, एक दो तो करना ही करना है. इसके अलावा जितने हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, और आप धीरे धीरे खुद देखोगे इम्प्रूवमेंट्स, एंड सारी प्रॉब्लम्स आपकी फिर इससे सॉल्व हो जाएंगी. दिस वन मोर क्वेश्चन जो मुझे पूछना था, जो कि लोगों को भी पूछना रहता है यहाँ पर, कि माइक्रोसॉफ्ट या ऊबर क्रैक करने के लिए कितने क्वेश्चंस करे आपने टोटल सारे प्लेटफॉर्म्स मिला के? सारे प्लेटफॉर्म्स मिला के अराउंड मैंने 500 और 600 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, जिसमें लीड कोड एंड गीक्स फॉर गीक्स, कोड फोर्सेज, कोड शेफ, ये सारे प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडेड हैं. तो एट द टाइम ऑफ इंटर्नशिप आई थिंक 500 के अराउंड मेरे हो गए होंगे, जब मैं इंटर्नशिप के लिए अपना इंटरव्यूज दे रही थी. ग्रेट ग्रेट, ठीक है. तो आप मान लो कि इतना आपको कम से कम क्वेश्चंस करने हैं. वैसे मैंने आपको अपनी डीएसए शीट दे ही दी है, जिसमें टॉप 250 क्वेश्चंस हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कह लो, या इन टर्म्स ऑफ लाइकली कह लो, कि मतलब बहुत ज़्यादा उनके चांसेस हैं आने के. सो डू कंप्लीट दैट डीएसए शीट एंड बी प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज. इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड लेट अस मीट इन अनदर वन. थैंक यू.